हे गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एडीसी के बारे में, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। देखिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आज हम लोग यहां पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी की बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एटमेगा 8 के अंदर जो इनबिल्ट एडीसी है उसका टाइप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडीसी की जरूरत क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी के सर्किट डायग्राम को हम देखेंगे और एट लास्ट इसकी वर्किंग को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडीसी की जरूरत क्या है। देखिए, जितने भी ट्रांसड्यूसर्स या सेंसर्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सेंसर्स के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं हमारे ट्रांसड्यूसर से, ये एनालॉग नेचर के होते हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को प्रोसेस करना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं सिर्फ डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। तो जहां पर भी हम लोगों को एनालॉग सेंसर्स को इंटरफेस करना होगा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ, वहां पर हम लोगों को एडीसी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास फिजिकल सिस्टम है जहां पर फिजिकल सिग्नल्स हमारे होंगे, जैसे कि टेम्परेचर। अगर इस फिजिकल सिग्नल को हम लोग प्रोसेस करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरत होगी ट्रांसड्यूसर्स की या सेंसर्स की, जो इस फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन के टाइम में यहां पर कुछ नॉइस आ सकता है। इस नॉइस को रिमूव करने के लिए हम लोग यहां पर सिग्नल कंडीशनर्स लगाएंगे, और सिग्नल कंडीशनिंग के बाद जो भी डेटा मिलेगा हमको या जो भी सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को फीड करेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल को डिजिटलाइज करेगा, और इसके बाद जो भी डिजिटल सिग्नल हमको मिलेगा वो चीज हम लोग अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे, और कंप्यूटर सिस्टम इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए कैपेबल होगा। इसके बाद हम लोग एडीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टेप साइज। स्टेप साइज आप लोगों का इनपुट सिग्नल में एक स्मॉलेस्ट चेंज है जिसको एडीसी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई एक एडीसी है जिसका स्टेप साइज 4 मिलीवोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो एडीसी होगा वो 4 मिलीवोल्ट के मल्टीपल में जो वोल्टेज होगी उसी को मेजर कर पाएगा। मतलब ये 8 मिलीवोल्ट को मेजर कर सकता है, 12 मिलीवोल्ट को मेजर कर सकता है, बट अगर आप लोग 9 मिलीवोल्ट देंगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप लोगों का स्टेप साइज डिपेंड करता है दो चीजों पर। सबसे पहला है आप लोगों का रेफरेंस वोल्टेज, और सेकंड आपका जो एडीसी का रिजोल्यूशन क्या है। थर्ड पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं, जितना छोटा हम लोगों का स्टेप साइज होगा उतना ही एक्यूरेसी हम लोगों को मिलेगी एडीसी में। इसके बाद स्टेप साइज का ये फॉर्मूला है, देखिए, स्टेप साइज इज इक्वल टू वी रेफ डिवाइडेड बाय रिजोल्यूशन माइनस 1। अब यहां पर रिजोल्यूशन क्या है देख लेते हैं। रिजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एडीसी की एक्यूरेसी को मेजर करने का। एडीसी हमारे वेरियस रिजोल्यूशन में अवेलेबल होते हैं, जैसे आप लोगों का 8 बिट हो सकता है, 10 बिट हो सकता है, 12 हो सकता है, 16, 24 एटसेट्रा। और इसके बाद जितना हाई रिजोल्यूशन होगा उतना स्मॉलेस्ट स्टेप साइज हम लोगों को मिलेगा, मतलब उतना ही ज्यादा मोर एक्यूरेट हम लोगों का सिस्टम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है वीरेफ, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इसी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होता है। अगर वीरेफ हम लोगों का 5 वोल्ट होगा तो इनपुट एनालॉग जो सिग्नल है उसकी रेंज 0 से 5 वोल्ट के बीच में होगी। अगर 5 वोल्ट से ऊपर की कोई वोल्टेज हमको मिलेगी तो एडीसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसके बाद हम लोगों का लास्ट फैक्टर है कन्वर्जन टाइम। एनालॉग सिग्नल को डिजिटलाइज करने के लिए एडीसी को जितना भी टाइम लगता है वो हम लोगों का कन्वर्जन टाइम होता है। कन्वर्जन टाइम बेसिकली डिपेंड करता है क्लॉक सोर्स पर जो कि एडीसी के साथ कनेक्ट होता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी एन क्लॉक साइकिल्स लेता है। एन यहां पर आप लोगों का रिजोल्यूशन है एडीसी का। इसके बाद मैंने यहां पर एक कंपैरिजन टेबल बनाया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्टेप साइज कैसे कैसे आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वीरेफ और बिट रिजोल्यूशन।
अगर आप लोगों का VRF 5 वोल्ट है तो जो इनपुट सिग्नल उसमें हम लोग देंगे वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में ही होना चाहिए, और अगर ADC आपका 8 बिट का है तो आप लोगों को जो स्टेप साइज मिलेगा वो 19.61 मिलीवोल्ट मिलेगा। वहीं अगर आप लोगों का ADC 10 बिट रिजोल्यूशन का होगा तो आप लोगों को स्टेप साइज मिलेगा 4.89 मिलीवोल्ट। मतलब कि आप लोगों का जो 10 बिट रिजोल्यूशन वाला ADC होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू 8 बिट। सिमिलरली अगर आप लोग VRF की वैल्यू कम कर लेते हैं तो जो वी इन रेंज होगा वो भी आपका कम हो जाएगा, और 8 बिट रिजोल्यूशन में आप लोगों का ये स्टेप साइज जो है वो 15.69 मिलीवोल्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप लोगों का ADC 10 बिट रिजोल्यूशन का हुआ तो स्टेप साइज 3.91 मिलीवोल्ट होगा। स्टेप साइज का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ये आप लोगों का होता है VRF डिवाइडेड बाय रिजोल्यूशन माइनस 1। यहां पर एक और फॉर्मूला आप लोगों को देखने की जरूरत है, डिजिटल आउटपुट इज इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। इस चीज को मैं आप लोगों को बाद में एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिलहाल हम लोग सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप ADC के सर्किट को देख लेते हैं। ये हम लोगों का n बिट ADC का एक सर्किट डायग्राम है। इसमें चार मेन चीज यहां पर होंगी, सबसे पहले एक n बिट लैच होगा, एक n बिट SAR यहां पर होगा, और एक n बिट DAC होगा, और लास्ट में हम लोगों के पास एक कंपेरेटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं SAR को। SAR बेसिकली आप लोगों का एक सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है। कुछ मेन पिन्स मैंने इसकी यहां पर लिखी हुई है। ये आप लोगों का एक स्टार्ट कन्वर्जन पिन है। जैसे ही हम लोग यहां पर स्टार्ट कन्वर्जन पिन को हाई करेंगे वैसे ही हम लोगों का जो MSB होगा, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, वो आपका सेट हो जाएगा। मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी आप लोगों की 1 हो जाएगी, रेस्ट जो होगा वहां पर आपकी वैल्यूज 0 रहेंगी, और ये सारी चीज आप लोगों की फर्स्ट क्लॉक पल्स में होगी। इसके बाद आप लोगों का जो भी यहां पर डेटा होगा, मतलब 10000, ये आप लोगों का DAC में जाएगा। DAC बेसिकली आप लोगों का एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ये आप लोगों के डिजिटल इनपुट को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर VDC रिप्रेजेंट किया हुआ है। और VD निकालने का बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला है, VD इज इक्वल टू VREF, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज जो आप लोगों की DAC में होगी, इनटू जो आप लोगों का डिजिटल इनपुट सिग्नल होगा, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और n हम लोगों का यहाँ पर बिट रिजोल्यूशन है इस पूरे सिस्टम का। अब जो भी VD हम लोगों का यहां पर आएगा इसको हम लोग एक कंपेरेटर में डालेंगे और कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को Vin, दैट इज इनपुट वोल्टेज से। अगर आप लोगों का VD ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Vin तो हम लोगों को यहां पर 0 मिलेगा, अगर Vin आप लोगों का ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू VD तो हम लोगों को यहां पर 1 मिलेगा। अब जो भी हम लोगों की यहां पर कंडीशन होगी वो चीज हम लोगों के यहां पर स्टोर हो जाएगी, अगर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1। इसके बाद आप लोगों की यहां पर दूसरी क्लॉक पल्स आएगी, जैसे ही दूसरी क्लॉक पल्स आएगी वैसे हम लोगों का MSB से जो नेक्स्ट बिट होगी वो हमारी सेट हो जाएगी, दैट इज वो आप लोगों की 1 हो जाएगी, उसके बाद की जो रेस्ट होंगी वो आप लोगों की 0 रहेंगी। अगेन हम लोगों का जो भी यहां पर डेटा होगा वो DAC में जाएगा, और अगेन यहां से एक VD जनरेट होगा, फिर कंपेरिजन यहां पर होगा, और कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को यहां पर D की वैल्यू मिलेगी, और अगेन वो चीज यहां पर हम लोगों की स्टोर होती जाएगी, और ये चीज हम लोगों का चलता रहेगा n क्लॉक पल्स के लिए। मतलब कि आप लोगों का ये MSB से स्टार्ट होगा और LSB में जाके स्टॉप होगा। जैसे ही हम लोगों की LSB वाली साइकिल कंप्लीट होगी वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर कन्वर्जन कंप्लीट हाई हो जाएगा, और n बिट लैच के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिजिटल आउटपुट ले पाएंगे। तो ये है हम लोगों का सर्किट डायग्राम और इसकी वर्किंग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 बिट ADC के हायरार्की को। जैसे ही हम लोग SAR की स्टार्ट कन्वर्जन पिन को हाई देंगे वैसे ही हम लोगों का वैल्यू कुछ ऐसे सेट हो जाएगी। इसके बाद DAC में हम लोगों को VD की कुछ वैल्यू मिलेगी और कुछ हम लोग एक Vin में देंगे, और इस चीज का कंपैरिजन बेसिकली होगा, अगर VD की वैल्यू आप लोगों की ग्रेटर होगी तो आप लोगों का ये वाली कंडीशन आएगी, और अगर आप लोगों की VN की वैल्यू हाई होगी तो आप लोगों की ये कंडीशन आएगी। ये आप लोगों का सब कुछ होगा पहली साइकिल में। इसके बाद हम लोगों की सेकंड साइकिल चलेगी, फिर थर्ड साइकिल चलेगी, फिर फोर्थ साइकिल चलेगी। फोर्थ साइकिल के बाद हम लोगों की ये कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आउटपुट में मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं इस चीज को एक एग्जांपल से। सपोज हम लोगों का VRF 5 वोल्ट है,
एडीसी हम लोगों का 4 बिट का है और वी इन जो है हम लोगों का 1.65 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं डिजिटल आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए। अगर फॉर्मूले से हम लोग देखें तो स्टेप साइज आप लोगों का आएगा 0.33 वोल्ट और डिजिटल आउटपुट हम लोगों का इस हिसाब से आ जाएगा 5, जो कि इक्विवेलेंट होगा आप लोगों के 1010 के। अब ये तो हम लोगों ने अपने फॉर्मूले से निकाल लिया, इस चीज को हम लोग वेरीफाई करते हैं अपने सर्किट डायग्राम से। देखिए, जैसे ही हम लोग स्टार्ट कन्वर्जन को हाई देंगे वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर Q3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, रेस्ट की वैल्यूज आपकी 0 रहेगी। VD का फॉर्मूला जो हम लोगों का होता है उसके हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर VD 2.5 आ जाएगा और Vin हम लोगों का 1.65 है। इसके बाद VD और Vin में हम लोगों का कंपेरिजन होगा। यहाँ पर VD हमारा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू Vin, तो इस केस में हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब ये जो वैल्यू होगी 0 या फिर 1, फिलहाल हम लोगों की 0 है, तो ये 0 जो है वो हम लोगों का Q3 में स्टोर हो गई और इसके बाद आप लोगों का Q2 की वैल्यू 1 सेट हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों की VD की वैल्यू अगेन 1.25 आएगी और इसके बाद Vin की वैल्यू हम लोगों की अगेन 1.65 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आउटपुट 1 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर Vin हमारा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू VD। अब ये जो 1 वाली वैल्यू होगी ये हम लोगों की स्टोर हो जाएगी Q2 में और अगेन Q1 में हम लोगों की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग अगेन हम लोगों को VD की वैल्यू 1.875 मिलेगी, Vin की वैल्यू हमारी 1.65 है, तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमको 0 मिलेगा। तो ये जो 0 होगा ये हम लोगों का Q1 में स्टोर हो जाएगा और ये लास्ट साइकिल हम लोगों की है, यहाँ पर Q1 आप लोगों का 1 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग VD हम लोगों का 1.5625 मिलेगा और जो Vin है हम लोगों का 1.65 है, तो अगेन हम लोगों का Vin जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू VD, तो इस समय हम लोगों की जो वैल्यू स्टोर होगी Q0 में वो 1 होगी। तो एट लास्ट हम लोगों का यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1010, जो कि इक्विवेलेंट है आप लोगों के जो फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला था उसके। तो ये है हम लोगों का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमेगा 8 के ADC के कुछ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो बने रहिएगा, आप लोग बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।